हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चाचा के घर घूमने आए हैं। आप सब चाचा जी का घर देख सकते हैं और अपनी स्कूटी यहाँ पर खड़ी कर दी है। चाचा की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और हमारे दिलीप भाई खेत में धान की रुपाई कर रहे हैं और बड़े भाई भी खेत में है। तो चलिए, आप लोगों को भाई से मिलवाते हैं और क्या क्या खेतों में बोया हुआ है आप सभी को सब दिखाएँगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में तक बने रहें। और यहाँ पर देखिए, अगल बगल के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। ये देखिए, झुलवा भी चाचा जी यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पर, इन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इनको झुला के दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे झूल रही है बच्ची। आप लोगों ने गांव में अक्सर देखा होगा, घर के बगल बारी रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे घर है और ये यहाँ पे देखिए भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं और इस पेड़ में फल भी आ गए हैं। ये भिंडी फरा हुआ छोटा छोटा। और अब हम चलते हैं, आप लोगों को दिलीप भाई से मिलवाते हैं। आज यहाँ पर धान की रुपाई कर रहे हैं, तो आप धान की रुपाई करके दिखाएंगे कैसे धान की रुपाई किया जाता है। मैं तो कभी किया नहीं भाई धान की रुपाई, लेकिन आज दिलीप भाई से सीखता हूँ थोड़ा बहुत। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये देखिए, धक्का धक एक हाथों से बिया लिए हुए और एक हाथों से अपने जो बांध है उसको गाड़ रहे हैं जमीन में, जिससे पानी भी भर दिए। यहाँ पे नल लगा, ये सुविधा है फुल पावर के साथ। और अभी जो बड़ा वाला प्लाट है आप लोगों को और आगे चलकर दिखाते हैं। तो चलिए, हम चलते हैं बड़े वाले प्लाट पर, बड़े भाई मिलेंगे यहाँ पर। दिलीप भाई अपना काम कर रहे हैं फुल पावर के साथ। तो ही चल रहे हैं और ये देखिए, यहाँ पर पहले कुछ दिन पहले मिट्टी का सेंटर था, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए रोड बन गया। और मैं कुछ दिन पहले आया था तो पत्थर गिरा था, लेकिन अब रोड बाकायदा बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर मेरे भाई बड़े भाई मिल गए, आप लोगों से मैं बताया था। तो यहाँ पर मौज कर रहे खेत देख रहे थे यहाँ पर। और अब हम चलते हैं दोनों लोग, आप लोगों को धान का भी रुपाई दिखाएंगे जो कर चुके हैं, और गन्ना भी दिखाएंगे, इनका गन्ना कैसा है, बहुत सारे फसल दिखाएंगे। A few moments later. हमारे भाई साहब का गन्ना और काफी अच्छा गन्ना लगा हुआ है। आप इस गन्ने में कितने बार पानी दिए और कितनी बार गुड़ाई किए हैं? 3 बार गुड़ाई करे हैं और दो पानी दिए। तो देखिए, बहुत ही मेहनत की है तब आज ये गन्ना इतना अच्छा लगा दिख रहा है। चलिए चलते हैं हम धान की खेत की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बकरी चरा रहे हैं हमारे छोटे छोटे 4 भाई लोग। आप लोग किस गाँव से आए हैं? तो ये लोग देखिए फुल पावर के साथ मस्ती करते हुए यहाँ पे बकरी चराते हैं, एंजॉय करते हैं। असंभव। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं धान का बीज आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे तार लगा हुआ, इस तार को पार करके जाना पड़ेगा क्योंकि गाय से बचत करने के लिए इस तार को लगाया गया। आइए, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो धान का बीज है कितने दिन में तैयार होता है। तो 22 से 30 दिन में तैयार हो जाता है, फिर इसको हम रोपाई करते हैं और फिर 90 से 100 दिन लग जाता है रोपाई करने के बाद में तैयार होने में। फिर हम उसे काटते हैं और पीटते हैं, तब अपने घर लाते हैं। तो चलिए, आप लोगों को धान की रुपाई भी दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बीए बोए हुए हैं, सभी लोग अपना अपना बीए बोए हुए हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बिया देखने को मिलता है। भैया, हम भी खेती वेती किए हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ करना ज़रूरी है। मैं भी खेती किया हूँ, अब पर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं छोटा सा दुकान करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ब्लॉग में देखा होगा कि मैं दुकान पर परमानेंट बैठता हूँ, इसलिए खेत में आने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो यहाँ का प्राकृतिक हवा मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे जो भाई साहब धान की रुपाई किए हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा प्लाट ही 8 बीघे का प्लाट है ये। और ये 3 दिन में मात्र 2 लोग इस पूरे धान की रुपाई किए हैं, वाह वाही की बात है। क्योंकि बहुत ही मेहनत किए होंगे तब 2 लोग जाकर इतने पूरे प्लाट को रुपाई कर पाए होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे पानी भी भर दिए जिससे धान सूखे ना और धान का हरेरी बना रहे, धान का बांध बैठ जाए अच्छे से। तो आइए, हम आप लोगों को आगे दिखाते हुए चलते हैं फुल पावर के साथ। और खेती ऐसे ही किया जाए कि अगर करे तो मन से करे, नहीं तो ना करे, क्योंकि खेती में भर्ती बहुत लगता है। तो देखिए, यहाँ पे पानी भी भरे हुए हैं फुल पावर के साथ। अगर पानी नहीं रहेगा तो धान सूखेगा, तो धान का बैठाने का कोई मकसद नहीं रहेगा, बढ़ोतरी नहीं लेगा, ना ही हमारा धान अच्छा उपज होगा। तो इसलिए पानी अच्छे से भरे रहना है और फुल पावर के साथ धान का ख्याल रखना है, धान की रखवाली करना है जानवरों से, तब हम इस धान को काटने को देखने को पाएंगे, अपने घर में रखने को पाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही खेती करिए। मेरे पापा भी खेती करते हैं, मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं हर चीज़ जानता हूं, मैं पहले खेती करता था। दोस्तों, आप लोगों ने धान की रुपाई देख ही लिया, तो आइए हम भाई से पूछते हैं कि सब्जी की खेती अब क्यों नहीं करते हैं। आप सब्जी की खेती अब क्यों नहीं करते हैं भाई साहब? भाई, इसमें ज़्यादा मेहनत पड़ता था। तो उसमें मेहनत काफी है और 5-6 लोगों की जरूरत है, इसीलिए आप सब्जी की खेती नहीं कर पाते हैं जी। साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसलिए ये गन्ना और धान का खेती करते हैं, जिससे आराम रहता है। एक बार रुपाई कर दो, गन्ना बो दो, तो साल भर का आराम हो जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने इनके पूरे खेत का धान फसल सब देख ही लिया। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, फार्मर ब्लॉग। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।